हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्न टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रिंस कट ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रख लूँगी इस तरह से, और उसके चारों तरफ मैं सिलाई कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है। सेम इसी तरह हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। और जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कप की सिलाई करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई कर ली है और जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे अटैच करेंगे इस तरह से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पाइपिंग अटैच करूँगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कप को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह हम इस वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर आई हुक वाली पट्टी अटैच करते हैं। तो इस तरह से पहले मैं हुक की पट्टी अटैच कर लूँगी। इस तरह से हम हुक वाली पट्टी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आई के लिए पट्टी कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम अस्तर वाले कपड़े का भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मेन फैब्रिक हमारा पतला है। तो इस तरह से हम आई पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आई पट्टी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ बैक पार्ट वाले अस्तर को ले लेते हैं इस तरह से, और इसे फोल्ड करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रख लेंगे इस तरह से, और इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से कमर की।
और इस तरह से हम इसकी चारों तरफ भी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई कर ली है। और जो साइड के कपड़े हैं उसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम जो गले पे लाइन ड्रॉ किए हुए थे उस पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और इसे फोल्ड करके हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कमर में टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से हम टक्स लगा लेते हैं। अब बैक पार्ट के साथ हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह आप भी पाइपिंग अटैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग अटैच कर ली है इस तरह से। अब हम यहाँ पे कमर में पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने अस्तर वाले कपड़े की पट्टी कट कर ली है और अब हम इसे अटैच कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा प्रिंस कट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ इसकी स्लीव्स की अलग से वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।